जय भोले शंकर जी की। सभी को सादर नमन। दोस्तों, मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह हाजिर हूँ आपके लिए मोटिवेशन से भरी हुई एक और कहानी लेके। दोस्तों, ये कहानी एक यूथ की है, टीन की है। तो आप सभी से विनम्र विनती है, जितने भी मेरे छोटे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने भाइयों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, यूपी में एक टीनेजर हुआ करता था। उस टीनेजर का एक ही काम था सुबह से लेकर शाम तक कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के सामने घूमते रहना। और दोस्तों, ये उसकी भी गलती नहीं थी। हमारे जो काफ़ी ज़्यादा जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों को मोटिवेट ही नहीं करती, उनको रजपूती रूल असूल बताती ही नहीं। तो वो, हम सीधी तरह कह सकते हैं कि वो जो भाई था छोटा, वो बिगड़ा हुआ था। समझाया नहीं तो वो बिगड़ गया। तो अब वो सुबह से शाम तक एक ही उसके काम थे कि लड़कियों के स्कूल कॉलेज के सामने घूमते रहना। अब दोस्तों, काफ़ी जल्दी 9 मई आने वाली थी, और आपको तो पता ही है 9 मई को शोभा यात्रा होती है शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की। और इस शोभा यात्रा से पहले हमारे पूरे इंडिया में मोटिवेशनल मीटिंग्स होती हैं। अब जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी उन मीटिंग्स में ऐसी ही जोश भरी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो जी, वो भी लड़का मज़े लेने के लिए मीटिंग में चला गया। अब जब वो मीटिंग में चला गया और राजपूती जब कहानी, उसने कोई कहानी सुनी, तो वो कहानी उस लड़के में घर कर गई। ये भी अच्छी बात है कि घर कर गई। अब दोस्तों, उसमें थोड़ा सा 2% राजपूती जोश का, असूलों का संचार तो हुआ। अब वो फिर 2-3 मीटिंग्स में गया तो वहाँ भी संचार हो गया। अब धीरे धीरे लड़के में कुछ चेंज आने लगा। अब राजपूत 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 जब हर जगह हो रही थी, तो उसके अंदर भी कुछ एक फीलिंग आई, राजपूत 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 वाली। अब धीरे 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 9 मई आ गई। पूरे अपने कुर्ते पजामे, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में, साफे में सभी भाइयों ने सुबह शोभा यात्रा निकाली। अब महाराणा प्रताप जी के भवन में जब वो, उनकी जो शोभा यात्रा थी, वो जब थोड़ी देर वहाँ रुकी, तो उसकी एक फ्रेंड भी वहाँ पे आई हुई थी। अब फ्रेंड उसको हाथ हिला हिला के बुला रही थी। अब वो लड़का उसको इग्नोर कर रहा था। और दोस्तों, पता इग्नोर क्यों कर रहा था, ये आपको 1 मिनट के बाद में बताते हैं। और वो लड़के ने पूरे टाइम उस अपनी फ्रेंड को इग्नोर मारा। उसने काफ़ी बार हाथ हिलाया, उसको बुलाया, पर लड़के ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब दोस्तों, शाम हुई, उनकी बात हुई, और उसकी फ्रेंड ने उसको एक बात बोली कि जब तुझे वहाँ बुला रही थी, तब देखा क्यों नहीं मेरी तरफ। तो लड़के ने बड़ी पोलाइटली कहा उस टीनेजर ने, जब तू मुझे हाथ हिला रही थी, मेरे सर के ऊपर क्या था? लड़की कहती पगड़ी। मेरे माथे पे क्या था? लड़की कहती तिलक। लड़के ने कहा मेरे नाक के नीचे क्या था? लड़की बोलती मूछ। तो लड़का कहता, उस समय तुझे मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उस समय मैं राजपूत था, और राजपूत का असूल होता है कि किसी की या कोई भी स्त्री की तरफ देखना नहीं। अच्छी दोस्तों, उसको मोटिवेशन मिली कि वो, उसने ऐसे विचार उसके मन में आ गए। तो दोस्तों, ये होती है राजपूती कहानियाँ। एक राजपूती मोटिवेशनल का अर्थ यही होता है कि उसने बड़ी बात एक छोटे से शब्दों में कह दी उस लड़की को। तो दोस्तों, जितने भी मेरे भाई हैं जो ये ऐसा वैसा काम करते हैं घूमने फिरने वाला, हम नहीं कहते कि भाई मत करो, हमारे कहने से किसी ने रुकना तो है नहीं, पर भाई किसी को धोखा मत दो। और जो ये काम होते हैं, इन काम को रखो साइड पे, अपना फोकस, अपनी एम्बिशन, अपने गोल की तरफ रखो, क्योंकि राजपूतों को आजकल पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। ये जो आप टीवी में देखते हो, गानों में देखते हो, ये सब एक बनावटी लाइफ होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा भाई सुधरा ना, क्या कहा था उसने कि राजपूत प्राय स्त्री प्राय लड़कियों को नहीं देखते, उस समय मैं तुझे इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि उस समय मैं राजपूत था।
तो दोस्तों ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर मेरे छोटे भाइयों को अच्छी लगी हो तो ज़बरदस्त शेयर करिए, यही हमारी आपसे विनती है। जय देवा, जय राजपूताना।